नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव किताब है। और ये इम्तियाज अहमद और रजनीश रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। इसमें हम लोग जो है हर चैप्टर को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, और हमने जो इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी को समाप्त कर दिया है। और हम लोग अभी इस किताब का चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं, और आपका चैप्टर नंबर 13 है समसामयिकी, करंट अफेयर्स है। तो इसका चैप्टर नंबर 13 का आज पार्ट नंबर डी पढ़ेंगे, ठीक है, और ये आखिरी पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है 152, बिहार में 2020 में कितने पन बिजली पैदा की गई है। तो बिहार में 2020 में कितने पन बिजली पैदा की गई है। ऑप्शन ए 8.75 करोड़ यूनिट, ऑप्शन बी 2.7 करोड़ यूनिट, ऑप्शन सी 4.22 करोड़ यूनिट, ऑप्शन डी 6.22 करोड़ यूनिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4.22 करोड़ यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में 2020 में 4.22 करोड़ यूनिट पन बिजली पैदा की गई है। 153 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला के एक जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश के तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड मिला है। तो बिहार के किस जिले के एक जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश के तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी मधेपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहरसा है। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारत में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 155 है, बिहार को कौन सा रैंक भू अभिलेखों, डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण के मूल्यांकन करने वाली एजेंसी, राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 है, बिहार का गया एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में किस स्थान पर रहा। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 157 है, नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का वह जिला को प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी नवादा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नवादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 158 है, बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली को 10 करोड़वां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज। तो क्वेश्चन नंबर 159 है, बिहार में कहाँ बंदरों के लिए बगीचा बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए रानीगंज अररिया, ऑप्शन बी राजगीर नालंदा, ऑप्शन सी वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रानीगंज अररिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 है, वह दो महत्वपूर्ण शहर जिसको 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बनेगा। ऑप्शन ए पटना और राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया और राजगीर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी पटना और बोधगया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोधगया और राजगीर। क्वेश्चन नंबर 161 है, बिहार के किस शहर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM की स्थापना किया जाना है। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बोधगया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोधगया।
क्वेश्चन नंबर 162 है, बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर नम्रता आनंद, ऑप्शन बी डॉक्टर ज्योति रानी, ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संजीता सिंह, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रुचि सिन्हा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नम्रता आनंद को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 है, बिहार की बेरोजगारी दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई आंकड़ों के अनुसार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 11.5%, ऑप्शन नंबर बी 9.8%, ऑप्शन नंबर सी 10.0%, ऑप्शन नंबर डी 14%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11.5% है और देश में सातवें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 164 है, बिहार दिवस 2021 की थीम थी? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भव्य बिहार, ऑप्शन नंबर बी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर सी 7 निश्चय 2, ऑप्शन नंबर डी देश की हर थाली में बिहार का तरकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल जीवन हरियाली। क्वेश्चन नंबर 165 है, बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी बांका। तो बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्न में से किस व्यक्ति को GST काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए श्री फागु चौहान, ऑप्शन बी श्री नंद किशोर यादव, ऑप्शन सी श्री तार किशोर प्रसाद, ऑप्शन डी श्री नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री तार किशोर प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 167 है, शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची कहानी पर केंद्रित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी सारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारण का है और यह शॉर्ट फिल्म ऑस्कर 2021 के टॉप 10 में शामिल हुई और निर्माता करिश्मा दुबे हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर किस जिला में उत्तर प्रदेश के द्वारा किए जा रहे गंडक नदी के चैनल निर्माण को बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी कैमूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 169 है, नालंदा जिले के किस पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए पचौड़ा पंचायत, ऑप्शन बी सवैत पंचायत, ऑप्शन नंबर सी मुर्गी याचक पंचायत, ऑप्शन नंबर डी मय पंचायत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सवैत पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 17 मई 2021 को होम आइसोलेशन पे इलाज कर रहे कोरोना वायरस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए कोरोना होम केयर, ऑप्शन नंबर बी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग हिट कोविड ऐप, ऑप्शन नंबर सी कोविड केयर ऐप, ऑप्शन नंबर डी कोविड होम ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग हिट कोविड ऐप। और इस ऐप को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सराहना की और राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 171 है, बिहार के किस जिला के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतास को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 172 है, बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों को कौन सा इंजेक्शन देने की अनुमति प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रेड बी सीवर, ऑप्शन बी मेगा पेन, ऑप्शन सी एफ्रोटेरिसिन बी, ऑप्शन डी स्पुतनिक बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एफ्रोटेरिसिन बी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 173 है, बिहार के कटिहार जिला के मास्कमैन
के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए अनिता सिन्हा, ऑप्शन बी ज्योति रानी, ऑप्शन सी परवेज आलम, ऑप्शन डी तत्समय मन्नू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्समय मन्नू को किया गया है। और इनका पुस्तक का नाम है वेंटिलेटर इश्क है। क्वेश्चन नंबर 174 है, पटना के किस छात्रा के द्वारा बनाया गया मेडी रोबोट का बड़े अस्पतालों में ट्रायल किया जा रहा है? ऑप्शन ए ज्योति रानी, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी कुमुद रानी, ऑप्शन डी प्रतिमा रानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा को, ठीक है, आकांक्षा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 175 है, बिहार में कहाँ पोस्टल कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मोतिहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 176 है, बिहार सरकार के द्वारा किस जिला में सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा किस जिला में सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए लखीसराय, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है, लखीसराय और भागलपुर दोनों जगह। क्वेश्चन नंबर 177 है, बिहार के किस उत्पाद को फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? ऑप्शन ए मखाना, ऑप्शन बी कतरनी चावल, ऑप्शन सी शाही लीची, ऑप्शन डी नवेद्यम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाही लीची को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 178 है, बिहार में किस तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए यास, ऑप्शन बी ताऊ, ऑप्शन सी आईफोन, ऑप्शन डी प्योस्मी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यास को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 179 है, बिहार के किस व्यक्ति को के फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड कैट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए ईशान किशन, ऑप्शन बी मुकेश सहनी, ऑप्शन सी मनोज तिवारी, ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुकेश सहनी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 180 है, 180 नंबर, बिहार के किस जिला में गंगा नदी में महाजाल लगाया गया था? तो बिहार के किस जिला में गंगा नदी में महाजाल लगाया गया था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी भोजपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बक्सर। क्वेश्चन नंबर 181 है, बिहार के किस जिला में या किस जिला से मई 2021 में प्राचीन नगर सभ्यता का अवशेष मिला है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी लखीसराय, ऑप्शन डी मधुबनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मधुबनी, ठीक है। तो बिहार के मधुबनी जिला से मई 2021 में प्राचीन नगर सभ्यता का अवशेष मिला है और मधुबनी के पंडोल के इसहापुर गांव की खुदाई में ईंट की मोटी दीवार, मटका और सिक्का मिला है। क्वेश्चन नंबर 182 है, जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का देश में स्थान रहा? ऑप्शन ए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे, ऑप्शन बी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 16वां स्थान, ऑप्शन सी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नीचे से 5वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 है, 183, बिहार में नए नियम के अनुसार कितने वर्ष से कम सजा वाले मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। 184 है और आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत
बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए कितने आवास बनाने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन नंबर ए 10,77,246, ऑप्शन नंबर बी 14,20,196, ऑप्शन नंबर सी 11,49,947, ऑप्शन नंबर डी 9,21,511। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11,49,947। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए जो है 11,49,947 आवास बनाने की स्वीकृति दी है और इस साल सबसे अधिक आवास का लक्ष्य बिहार को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का जो क्वेश्चन था वह यहाँ पर समाप्त होता है। आज का टॉपिक जो आपका समसामयिकी करंट अफेयर्स बिहार से जितने भी करंट अफेयर्स थे इम्तियाज अहमद किताब से उसको हम लोग यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।